चल रहे थे उस वक्त मोदी जी ने और अमित शाह जी ने दो बातें कही थी प्रचार करते हुए। एक तो मोदी जी ने कहा था कर्नाटका में कि जब आप चुनाव के लिए मत देने के लिए जाएंगे तो बजरंग बली की जय बोलकर आप बटन दबाइए, और अमित शाह जी ने कहा था कि आपको रामलला का दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, खर्चा होगा कि नहीं होगा, तो सारी जनता कहती है कि होगा, तो उन्होंने उनको आश्वस्त किया था। ये उनका प्रचार जब भाषण किया उसमें का मैंने आपको एक हिस्सा दिखाया कि आप अगर यहां भाजपा की सरकार बनाओगे तो आप सभी को रामलला का दर्शन हम फ्री में कराएंगे। और उसके बाद हमने चुनाव आयोग को एक खत लिखा था, वो खत आज भी मेरे हाथ में है, और उसमें हमने पूछा था कि जो बात जो मैं तो अन्याय कहता हूं लेकिन न्याय उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में किया था, हिंदू राज्य सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के बारे में, उनका तो मतदान करने का अधिकार छीना गया था 6 साल के लिए जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, और उनको चुनाव लड़ने के लिए 6 साल के लिए पाबंदी लगाई थी। खैर वो तो कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो वो बात अलग है, लेकिन अब कुछ बदलाव उसमें आपने किया है क्या कि उस वक्त जो गुनाह माना जाता था उसमें आपने कुछ बदलाव कर कुछ चीजें लाई है क्या? नहीं तो हमें अवगत करें, और अगर नहीं करेंगे तो हम ऐसे मान लेंगे कि आपने बदलाव किया है, अन्यथा प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ऐसी बात नहीं कर सकते। तो खैर उसके बावजूद उन्होंने कुछ हमें उत्तर तो नहीं दिया, हमने एक स्मरण पत्र भी दिया, अब तक उत्तर नहीं आया। कल अचानक हमें एक इलेक्शन कमीशन से लेटर आ गया, लव लेटर जैसे, और कुछ दिन पहले शायद 8-10 दिन पहले हमने एक शिवसेना का नया गीत, क्योंकि अब हमारा चुनाव जो चिन्ह है उसमें हमने बदल किया है, अब तो मशाल आ गई है, तो मशाल के लिए हमने एक गीत बनवाया और आपके माध्यम से पूरी जनता को दिया। उसमें दो शब्द उन्होंने कहा है कि आप निकालो, एक तो है हिंदू हा तुझा धर्म, तो हिंदू हा तुझा धर्म कहने में गलत क्या है, हमने हिंदू धर्म के आधार पर कोई वोट तो नहीं मांगे। और दूसरी बात जो है जिसके ऊपर मैं गुस्सा हो रहा हूं कि जय श्री राम हम भी कहते हैं, बजरंग बली की जय हम भी कहते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी और हमारे जितना प्रचार साहित्य है उसमें कभी भी भगवान के नाम पे दे दे बाबा ऐसे हमने वोट नहीं मांगे। तो वैसे वोट बीजेपी मांग रही है, हमने तो उसमें वोट नहीं मांगे।